बीजेपी जेजेपी सरकार के गठन के बाद एक बार फिर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर सुख बुगाहट शुरू हो गई है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता जसबीर सिंह ने पिछली सरकार के दौरान हुए किलोमीटर स्कीम घोटाले की जांच करवाने की मांग की। जसबीर सिंह ने कहा कि यदि सरकार यात्रियों को सुविधा देना चाहती है तो रोडवेज के बेड़े में तुरंत 14,000 नई बसों को शामिल करने के प्रस्ताव पर अमल किया जाना चाहिए। हरियाणा रोडवेज के नेता जसबीर सिंह ने तेलंगाना सरकार द्वारा 49,000 रोडवेज कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने के फैसले की भी निंदा की। आइए जरा रोडवेज कर्मचारियों के नेता जसबीर सिंह की बात सुन लेते हैं। तो नई सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार ने जो जेजेपी ने और सरकार ने जो वायदे किए थे चुनाव के दौरान कि हम जो है बसेज की मांग करते हैं, बसें लेके आए, लेकिन सरकार ने कहा था किलोमीटर स्कीम का जो घोटाला, बड़ा घोटाला जेजेपी ने कहा था, वह उसकी जांच करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उसकी जांच भी करें और सरकार जो है जनता को अच्छी सुविधा देना चाहती है तो बसें जो है 14,000 बसें सरकारी बेड़े में शामिल करें ताकि जनता को अच्छी सुविधा मिल सके और कर्मचारी भी काम करना चाहते हैं और कर्मचारियों को जो पॉलिसी सरकार ले कर रही है उसको निरस्त करके सरकार जनता के हित में फैसला करे। हरियाणा की मीटिंग रोहतक के अंदर थी, उसके अंदर यही निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा जो है जो पीछे पॉलिसी सरकार बना के लेकर थी उसको निरस्त करने की ही बात वहाँ हुई है। उसके अंदर भी यही है कि सर्व कर्मचारी संघ ने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग है, जो मीटिंग वहाँ जो फैसला लिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल वहाँ प्रदर्शन करने का है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आने वाले समय में जो सरकार पॉलिसी लेकर इसको निरस्त कर नई बसें शामिल करें और तेलंगाना सरकार जो है जो रोडवेज की जो है तेलंगाना सरकार के 49,000 कर्मचारी जो हड़ताल के ऊपर हैं जिन्हें सरकार बातचीत नहीं करना चाहती उन पर सरकार बातचीत करे। इसके ऊपर हरियाणा के मतलब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी ने भी उनका लेटर लिखा है, उस सरकार को बातचीत करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो कोर्ट ने सरकार के कहा कि उनका जो भी पेंडिंग ड्यूज जो बकाया पड़े हैं वो दिए जाएं और उसके बैठक के जो सरकार ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार भी बातचीत नहीं कर रही। इसके ऊपर भी हम ये कहना चाहते हैं सरकार कोई भी हो जनता से जो कर्मचारी हैं जो संगठन उनसे बातचीत कर कई समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। हम ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन से बातचीत करके उनका समाधान करना चाहिए और 49,000 जो कर्मचारी टर्मिनेट किए हैं उनको जो है वापस ड्यूटी पर लिया जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार की रोडवेज नीति के संबंध में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।